एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो हुआ यह है कि मेरे बॉडी में एक कंपाउंड पाया गया है, ठीक है। वो कंपाउंड परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स से रिलेटेड है भी कि नहीं, अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है कि मैंने कुछ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग लिया है, ठीक है, या कोई भी। ये तो साफ जो मेरे को लग रहा है कि ये डिफेम करने के चक्कर में है, और ये जस्ट एक भाई को और दीवान को भी, दोनों को ये जस्ट एक अपना एक स्टेपिंग स्टोन बना रहे हैं कि हम इनको बस, अब इनको यूज, इनका यूज हो गया, अब ये हमको प्रमोट नहीं कर रहे, तो चलो इनको बस अब यूज एंड थ्रो करो। तो कैसे हो आप सभी लोग, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब हमें जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, और सब्सक्राइब करने में आपको 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगेगा। तो अब बढ़ते हैं अपडेट्स की तरफ। तो हमारी पहली अपडेट है नितिन चंदीला भाई की तरफ से। तो आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले ही नितिन चंदीला भाई ने साउथ एशिया में गोल्ड मेडल जीता है और ओवरऑल टाइटल की फाइट में शामिल हुए थे। तो अब इनकी तरफ से एक और अनाउंसमेंट आ चुकी है, कॉम्पीट करेंगे सितंबर में होने वाले मिस्टर वर्ल्ड और मिस्टर एशिया में, और इन चैंपियनशिप के लिए इन्होंने अपनी प्रेप भी स्टार्ट कर दी है। और अब की बार नितिन चंदीला भाई का यहाँ पर फोकस होने वाला है गोल्ड के साथ साथ ओवरऑल टाइटल पर। तो देखते हैं यहाँ पर अपनी साउथ एशिया की कंडीशन को बीट कर पाते हैं या फिर नहीं। अगर भाई इससे भी बेटर कंडीशन लेकर आ गए तो इनके ओवरऑल टाइटल जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कैसी फिजिक डिस्प्ले करते हैं। इनके बाद में हम बात करेंगे आईएबी प्रो राजा अजीत भाई की अपडेट के बारे में। तो दोस्तों राजा भाई ने अपने इंस्टा स्टोरी में इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें हम इनकी लेटेस्ट कंडीशन को देख सकते हैं। यहाँ पर इनकी बाइसेप्स और शोल्डर राउंड और यूज हैं, कंडीशन को भी अभी मेंटेन करके चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब हमें राजा अजीत भाई 1 साल तक किसी भी प्रो शो में कॉम्पीट करते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि पूरे 1 साल का ऑफ सीजन करने वाले हैं, जिसमें ये अपनी बॉडी की कमियों पर काम करेंगे, और इस ऑफ सीजन के अंदर इनका फोकस होने वाला है सबसे ज्यादा साइज पर। तो गाइस देखते हैं राजा अजीत भाई पूरे 1 साल के ऑफ सीजन लेने के बाद में कैसा पैकेज लेके प्रो शो के स्टेज पर आते हैं। वैसे दोस्तों जब राजा अजीत भाई कोई बढ़िया ऑफ सीजन करते हैं तो धमाका ही करते हैं स्टेज पर। तो अब इन्हें स्टेज पर देखने के लिए हमें पूरे 1 साल का वेट करना होगा। इनके साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आई है आईएबी प्रो सुपर सेम भाई की तरफ से। तो मैं आप सभी के लिए इनकी एक छोटी सी अपडेट लेकर आ चुका हूँ, जिसमें आप इनकी बाइसेप्स और इनके शोल्डर को देख सकते हैं। सुपर सेम भाई के शोल्डर यहाँ पर बहुत ही खतरनाक कंडीशनिंग में है, जिनमें फाइबर्स और राउंडनेस बहुत ही इम्प्रेसिव है। इनकी इस छोटी सी अपडेट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि निशांत बंसल भाई ने अब की बार बहुत ही बड़ी इम्प्रूवमेंट कर ली है अपनी फिजिक में, और अब ये चाहते हैं कि जब भी मैं किसी प्रो शो में कॉम्पीट करूँ तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाऊँ ओलंपिया के लिए, और जल्दी ये किसी प्रो शो में कॉम्पीट करने वाले हैं, और उसकी भी अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगी। तो दोस्तों आपके सुपर सेम भाई के बारे में क्या थॉट्स हैं, और इस साल ये क्वालिफाई कर सकते हैं ओलंपिया के लिए, अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं। इनके बाद हम बात करेंगे शिकागो प्रो शो की अपडेट के बारे में, जो कल ही हुआ है। तो आप यहाँ पर 212 डिवीजन के कुछ एथलीट्स को देख सकते हैं भाई, ये कितने ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं, और जजेज के लिए इनमें से विनर को चुनना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इन्हें कंपेयर करने में काफी टाइम लगा था। पर फाइनली अब इनमें से विनर निकल कर आए क्रिस जॉन्स, जो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया एस्थेटिक्स फिजिक लेकर आए थे, जो प्रेजेंट टाइम के जजेस की यही रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए क्रिस जॉन्स जीत चुके हैं इस प्रो शो को और क्वालिफाई कर चुके हैं इस साल के ओलंपिया के लिए। तो आप सभी इनके लिए कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर लिखें। इनके बाद में हम बात करेंगे निक बॉकर की अपडेट के बारे में। तो ये है इनकी लेटेस्ट अपडेट, और भाई आपका सबसे पहले फोकस इनके लेग्स पर जा रहा होगा, क्योंकि कुछ मंथ्स पहले इनके लेग्स ऐसे नहीं थे, अब इनका पूरा फोकस लेग्स को इम्प्रूव करने में है, और इनकी इम्प्रूवमेंट हमें इन अपडेट्स में क्लियर दिख ही रही है। इनके क्वाड्स मसल पॉप करती हुई बाहर की तरफ निकल रही है, इनके क्वाड्स के साइज से बड़े होने से इनका एक्सप्रेम भी बहुत ही बढ़िया बन रहा है। पहले इनके बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से इनके लेग्स इतने बड़े नहीं दिखते थे, पर अब ये अपनी बॉडी में साइज ऐड करने की बजाय अपनी बॉडी के फ्रेम को बेस्ट शेप में ला रहे हैं। तो दोस्तों निक वॉकर की इन अपडेट्स को देखकर हम कह सकते हैं ये अपना पूरा 101% दे रहे हैं। इनकी बॉडी पहले से ही खतरनाक थी, पर अभी अपनी बॉडी के जेनेटिक्स को भी हराने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों देखते हैं 15 वीक के बाद में हमें निक वॉकर ओलंपिया के स्टेज पर कैसे देखते हैं। इनके बाद हम बात करेंगे जीत सलाल के HSF शो के बारे में, जिसने सभी एथलीट्स के डोप टेस्ट कराए, और उनमें इंडिया के फेमस एथलीट्स डियोन डिसिल्वा और रोहित चौन भाई डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। यानी अब HSF शो वालों का कहना है कि ये स्टेरॉइड लेकर आए थे इस शो में। तो दोस्तों अब डियोन डिसिल्वा और रोहित चौन भाई पर एनहांस बॉडी बिल्डर होने का आरोप लग चुका है। तो इसी वजह से डियोन भाई ने एक वीडियो बनाई है, जिसे हम देख लेते हैं, और इसके बाद में आपको रोहित चौन भाई के दोस्त की भी वीडियो मिल जाएगी। अभी तक का सिचुएशन एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो हुआ यह है कि मेरे बॉडी में एक कंपाउंड पाया गया है, ठीक है। वो कंपाउंड परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स से रिलेटेड है भी कि नहीं, अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है कि मैंने कुछ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग लिया है, ठीक है, या कोई भी स्टेरॉइड या कुछ भी लिया है, वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। वो लोग डिस्कस कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग से रिलेटेड है कि नहीं, मतलब
मैं आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू एक्सप्लेन दिस राइट नाउ, बट होपफुली जब जब क्लियर हो जाए, ठीक है, बैन हो या ना हो, बैन हुआ तो क्यों हुआ, बैन नहीं हुआ तो क्यों हुआ, उसका रीजन एटलीस्ट वो लोग क्लैरिफिकेशन प्रॉपरली दे, जो एक कॉमन पब्लिक को भी समझ में आया कि ये हुआ क्या है. लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं एनहांस टू, मेरा मतलब कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग पकड़ा गया. मैं कुछ पकड़ा नहीं गया हूं, मेरा एक कंपाउंड ज्यादा अमाउंट में आया है, उस पर डिस्कशन चल रहा है कि वो है क्या करके, तो उसे कहते हैं रिव्यू. तो ऐसा चल रहा है, तो अभी आई डोंट नो रिजल्ट्स क्या होंगे, बट कुछ जो भी होगा मैं अपडेट दूंगा. वो रिपोर्ट गलत है भाई, कभी भी ऐसी कोई चीज यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसको अपने सामने देखा है. उस बंदे ने 10-11 साल अपने पूरे लगाए हैं इस चीज में, पूरी डेडिकेशन के साथ. मैंने हर एक स्ट्रगल उसका सामने देखा है. घर वाले जब उसको ताने देते थे तब भी मैंने देखा है उस बंदे ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी. और ये हो ही नहीं सकता कि उसने कुछ नेगेटिव चीज़ यूज़ करी हो अपनी. ये तो साफ जो मेरे को लग रहा है कि ये डिफेम करने के चक्कर में है. और ये जस्ट एक भाई को और दीवान को भी, दोनों को ये जस्ट एक अपना एक स्टेपिंग स्टोन बना रहे हैं कि हम इनको बस अब इनको यूज़ इनका यूज़ हो गया, अब ये हमको प्रमोट नहीं कर रहे तो चलो इनको बस अब यूज़ एंड थ्रो करो. भाई ने इतनी मेल्स डाली कि आप प्लीज़ मेरे को अपनी इनोसेंस प्रूव करने का मौका तो दीजिए एटलीस्ट. उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, जवाब नहीं दिया उसका मेल का. हम इतने टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि कॉल करके उनको कर रहे हैं. और जब इनको पहले काम होता था प्रमोशन के लिए, तब डेली इनके फ़ोन आते थे कि रोहित सर प्लीज़ आप ये वाली हमारी पोस्ट रीशेयर कर दीजिए, रोहित सर प्लीज़ हमारी ये हमने आपकी और दिया उनकी एक बैटल की रील बनाई है, आप प्लीज़ इसको डाल दो अपने पेज पे. तो इनके तब तो पूरे फ़ोन आते थे. और अब जब ऐसी थोड़ा बहुत खाने पे जीरा काब्स पे उसको आप 4-4, 5-5 घंटे वेट करा रहे हो बैक स्टेज, तो क्या क्या करेगा बंदा ऐसे शो को प्रमोट करके, क्या फ़ायदा मिलेगा. अब हम तो खेल लिए, अब हमको पता लग गया कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अब हम नेक्स्ट टाइम नहीं खेलेंगे. पर जो नेक्स्ट टाइम एथलीट्स आएंगे, अगर हम इस चीज़ को प्रमोट करते तो उनको सफ़र करनी पड़ती ना ये चीज़. तो हमने इस वजह से HSF को प्रमोट नहीं किया बिल्कुल.